अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर हैं दोस्तों, जब तक उसके लिए पहला कदम ना उठाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत खास है। मकर राशि के 90 डेज 90 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, अप्रैल मई जून 2023 मकर राशि के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, और वास्तविक बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सूर्य शुक्र बुध मंगल सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। यहां तक कि देवगुरु बृहस्पति भी 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। ये 3 महीने मकर राशि के लिए कैसे रहेंगे, बहुत डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे, और लास्ट में बताऊंगा क्या अचूक उपाय आपको करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जो भी आपके कमेंट्स में आपको रिप्लाई करते हैं, बहुत बार कहा है मैंने, स्कैम होते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। जब अप्रैल 2023 का महीना शुरू होगा तो मकर राशि से नव ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। जैसे यहां पे देख रहे हैं आप, राशि के मालिक हैं शनिदेव, सेकंड हाउस में विराजमान है, थर्ड हाउस में है सूर्य के साथ में बृहस्पति, फोर्थ हाउस में है शुक्र बुध और राहु, वहीं आपके छठे घर में विराजमान है मंगल देव, तो 10th हाउस में है केतु। चलिए आप सबसे पहले अप्रैल मई जून नवग्रह आपको क्या फल देंगे, सबसे पहले राशि के मालिक शनिदेव देखते हैं। शनिदेव सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में ही रहेंगे 3 महीने, कोई परिवर्तन नहीं है शनिदेव का। यहां पर तीसरा चरण शनिदेव की साढ़े साती का शुरू हो चुका है, बहुत अलग अलग तरीके के बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो फैमिली में जो भी चिंता, आपको पहले मैं बताता हूं, शनिदेव जहां पर बैठते हैं ना उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सेकेंड हाउस होता है परिवार का, परिवार में वृद्धि करेंगे यहां पर, यानी कि फैमिली प्लानिंग अच्छी रहेगी। सेकेंड हाउस इनकम का भी होता है, धन का, तो सेविंग्स को यहां पर शनिदेव मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपकी जन्म कुंडली कैसी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शनिदेव यहां पर धन कुटुंब और वाणी में वृद्धि करेंगे, यानी कि जिन व्यक्तियों का काम कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है, काउंसलिंग फील्ड से रिलेटेड है, शनिदेव उनको बहुत आगे लेकर जाएंगे निश्चित। और राशि के मालिक शनिदेव हैं, चंद्रमा से निकल चुके हैं, जिनको बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन और एंजाइटी चल रही थी ना, वो भी धीरे धीरे चलकर बाहर निकलेंगे। अब बताना मुझे, इसके साथ में बात करें सूर्य की, दोस्तों सूर्य आपके जो है अष्टम भाव के मालिक हैं, और सूर्य आपके कहां पर हैं, सूर्य आपके थर्ड हाउस में विराजमान है, फिर आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य उच्च के रहेंगे फोर्थ हाउस में, और 10th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई। करियर में परिवर्तन करना अच्छा रहेगा, करियर में आपका जो एनर्जेटिक लेवल है वो अच्छा रहेगा। सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे फोर्थ हाउस में तो प्रॉपर्टी में डील करना अच्छा रहेगा, लेकिन अष्टम भाव के भी मालिक हैं तो यहां पर प्रॉपर्टी में डील तो करेंगे लेकिन सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में डील करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। माता के थोड़ा सा स्वास्थ्य पर देखभाल करके चलनी होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में सूर्य भी हैं राहु भी हैं, तो ग्रहण बनाते हैं सूर्य और राहु, यानी कि माता को चिड़चिड़ापन, माता का फ्रस्ट्रेशंस थोड़ा लेवल यहां पर बढ़ जाता है। लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में काम करते हुए देखे जाएंगे। फिर 14 मई को सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे, 14 जून तक जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे आप तरह तरह के चेंज चाहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, विद्यार्थी, या फिर तरह तरह के फॉर्म फिल करेंगे, या फिर एडमिशन लेने की सोचेंगे। 14 मई से लेकर पूरे जून तक के महीने में एडमिशन ले सकते हैं, कोई अपने परिवर्तन कर सकते हैं, आपका माइंड जो है ना वो बहुत तेजी से चलेगा। इस बीच में तरह तरह की डीप नॉलेज पढ़ना, नोवेल्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, तरह तरह का ज्ञान लेना, सामाजिक चीजों को जानना, ये ऐसा शौक आपको रहेगा उस टाइम पीरियड पे। वहीं दोस्तों अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह आपके कहां पर है, मिथुन राशि में, आपके छठे घर में विराजमान है, और पूरे अप्रैल के महीने छठे घर में ही रहेंगे, फोर्थ हाउस के मालिक हैं। अप्रैल के महीने में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, बस कोई भी बहुत बड़ा डील अगर आप करते हैं तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, क्योंकि मंगल छठे घर में बैठे हैं,
और जब मंगल छठे घर में बैठते हैं ना, तो एक बात कहूंगा मैं आपसे कि कोई भी वाहन, कुछ भी आप चीजें चलाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह छठे घर में अच्छे नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह 11th हाउस के भी मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक होके छठे घर में बैठे हुए हैं। यानी कि अप्रैल का महीने मंगल ग्रह खर्चे थोड़े ज्यादा करवा सकते हैं, खर्चे आपके अननेसेसरी ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन फिर 13 मई को मंगल ग्रह 7th हाउस में नीच के हो जाएंगे, लेकिन फिर मंगल ग्रह 13 मई को 7th हाउस में नीच के हो जाएंगे। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल होगा 13 मई के बाद, लेकिन आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत 13 मई के बाद अपने लव रिलेशन पर भी ध्यान रखना है, और अपनी मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। क्योंकि जब मंगल नीच के होते हैं ना, तो इंसान के अंदर बहुत गुस्सा आने लग जाता है, और वो उतरता कहाँ पर है गुस्सा? फैमिली में, मैरिड लाइफ में, लव रिलेशन पर, रिश्ते नातों में। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 1 साल तक आपके 4th हाउस में रहेंगे। समझिए, जब देव गुरु आपके 4th हाउस में रहेंगे, और कहां दृष्टि डालेंगे? 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे। वो मकर राशि वाले व्यक्ति जो फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी गतिविधियां बहुत अच्छी रहेंगी, और गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल को आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, जो कि मैनेजमेंट लेवल को बढ़ा देगी। कोई भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी, जैसा भी आप काम करते हैं, वहां पर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं। नौकरी मिलने की संभावना 22 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी और 12वें घर पर पड़ेगी। एमएनसी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में आपका परिवर्तन हो सकता है, तो ये गुरु का परिवर्तन 22 अप्रैल के 4th हाउस में अच्छा रहेगा। शुक्र और बुध दोनों आपके साथ में बैठे हैं 4th हाउस में। शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में आएंगे 6 अप्रैल को। पंचम भाव संतान का होता है, प्रेम प्यार का होता है। 6 अप्रैल के बाद आपकी किसी के साथ में अटैचमेंट हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई लव रिलेशन बन सकता है, और जिनका पहले से है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। जिनका ब्रेकअप हो रखा था या बातचीत बंद थी, तो 6 अप्रैल के बाद शुक्र पंचम भाव में आके बातचीत करवाएंगे, पैचअप की संभावनाओं को बढ़ा देंगे, और पढ़ाई में भी, स्किल्स पढ़ाई में भी यहां पर आपके जो माइंड को अच्छा कर देंगे, थोड़ा स्टेबल कर देंगे। और संतान की प्लानिंग भी, फैमिली प्लानिंग भी यहाँ पर शुक्रदेव मजबूत बना देंगे 6 अप्रैल से, 6 अप्रैल से लेके पूरे अप्रैल के महीने में। फिर शुक्र आपके छठे घर में जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ऋण को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बताया दोस्तों मैंने कि आपको ग्रह क्या फल देने में सक्षम रहेंगे, क्या उपाय करने चाहिए आपको। रोजाना शनिदेव का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। शुक्रदेव का भी बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, 108 बार सुबह सुबह। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर रोज फॉलो करें। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।